हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉर टुडेज वीडियो में आपके लिए माइग्लैम से 5 पॉइंट्स को रिडीम करा था मैंने, उसका आज हॉल वीडियो लेकर के आई। एंड मैं आपको सारे प्रोडक्ट शो करूंगी कि मुझे एक्चुअल में ये कितना पे करना पड़ा इसके लिए। एंड इसमें आपको अगर आप 5 पॉइंट्स रिडीम करते हो तो 1574 रुपीज़ का आप अमाउंट मिलता है कुछ भी परचेज करने के लिए। बट आप वहाँ से कुछ भी परचेज नहीं कर सकते जब आप उस पर क्लेम करते हो, रिडीम करते हो, तो आपको 4-5 चीज़ें ऐसे दिख रही होती है जिनमें से आप कुछ खरीद सकते हो। सो दैट मैंने उन्हीं में से खरीदा है। एंड मुझे भी नहीं पता था, फर्स्ट टाइम मैंने खरीदा है। एंड मैंने ये दूसरे अकाउंट से खरीदा है जिस पर मेरे 5 पॉइंट्स क्लेम हुए थे, बट मेरा एक और अकाउंट है जिस पर मैंने 25 पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं। बट आई थॉट मैं उसको तभी रिडीम करूँगी जब मुझे मेकअप की एक्चुअल में ज़रूरत होगी। एंड वो वाला वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड मैं सोच रही हूँ कि उसमें जितने ज़्यादा होते जाएँ तो कलेक्ट होते जाएँ पॉइंट, क्योंकि अभी मुझे इतनी नीड नहीं है मेकअप की। एंड अगर मैं अभी खरीद लूँगी तो वो डेट एक्सपायरी हो जाएगा, दैट्स वाई मैं खरीद नहीं रही हूँ। एंड जैसे ही मैं उसको परचेज करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके गाइस, तो मैंने अपना माइग्लैम ऐप ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको 5 पॉइंट्स को कैसे रिडीम करना है वो बताऊँगी। बट आपको डायरेक्टली ही क्लेम नहीं करना है, आपको पहले व्यू रिवॉर्ड्स करना होता है। जैसे कि मैंने ये क्लेम पर क्लिक करा तो पहले मैं व्यू रिवॉर्ड्स पर जाऊँगी, जिससे ये चेक हो पाएगा कि आखिर आपको 5 पॉइंट्स रिडीम करके कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये काफ़ी कम प्रोडक्ट्स ही होते हैं जो ऑप्शन में दिखते हैं। देन मैं आपको 30 पॉइंट्स के दिखाती हूँ। तो 30 पॉइंट्स को जब आप व्यू रिवॉर्ड्स करोगे तो इतने प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सो यही चेक करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पहले कौन से पॉइंट्स को रिडीम करना है। एंड आप डायरेक्टली क्लेम करोगे तो आपको परचेज करना पड़ेगा। सो गाइस, नाउ मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि इस 1500 की किट में मुझे क्या क्या मिला है। सो इस तरह से ये बॉक्स आया था, लिया हो, बट इतना ज़्यादा कोई सामान आपको मिलता नहीं है। इसके लिए मैंने 265 रुपीज़ पे करा है। एंड 265 रुपीज़ मैंने क्यों पे करा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये मनीष मल्होत्रा की सॉफ्ट मैट लिपस्टिक। एंड इससे पहले मैंने हाई शाइन लिपस्टिक का रिव्यू शेयर कराया ऑलरेडी, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड ये जो है ना, ये सॉफ्ट मैट मैंने इसलिए परचेज करा कि मैं देखना चाहती थी कि इसकी क्वालिटी कैसी है। देन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी ये वाला वीडियो भी कि सॉफ्ट मैट लिपस्टिक कैसी है एंड टेक्सचर वगैरह सारा। जैसे मैंने हाई शाइन लिपस्टिक का शेयर करा था तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी कि मैंने उसका सही टेक्सचर आपको बता दिया था कि ये ऐसा है एंड प्राइस वाइज कैसा है सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ उस वीडियो में, तो वो मैं फिर से नहीं बता रही हूँ। बट आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से सेम पैकेजिंग मिलती है। एंड इसका स्वॉच भी मैं उसी वीडियो में शेयर करूँगी, जस्ट मैं आपको यहाँ प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है। इसमें मैंने शेड लिया है शुगर आमंड। 950 रुपीज़ मेरे खर्च हो चुके जब ये मैंने पिक करा था, तो ये उस पर 600 समवेयर अराउंड था ऑफर पर। बट जब आप इसको किट में अप्लाई करते हो तो ये MRP पर ही मिलता है एंड 950 रुपीज़ का मिला मुझे। नाउ ये लिप बाम है, इसका एक लिप बाम मैं ऑलरेडी खरीद चुकी हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आया था। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि इस बार मैं यही खरीद लेती हूँ और इनके स्वॉचेस शेयर कर दूँगी आपके साथ जब थोड़ा विंटर सीज़न आ जाएगा तब। अभी तो वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड मैं ऑलरेडी लिप बाम का रिव्यू कर चुकी हूँ सुपर फूड्स वाला, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लेना। इस तरीके से हमको ये मिल जाता है। एंड इसमें मैंने एक ये शेड लिया है, देन मैंने एक और लिप बाम लिया है क्योंकि मैं आप कलेक्शन करके और पूरा इकट्ठा वीडियो बना दूंगी एक लिप बाम्स पर। मुझे ये वाले लिप बाम्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे तो इनके शेड्स मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। सो एक ये येलो वाला है, दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये 345 रुपीज़ का था एंड वो वाला 345 रुपीज़ का था। कल इसमें मेरा बिल बन रहा था 950 रुपीज़ का मनीष मल्होत्रा का लिपस्टिक एंड 345 रुपीज़ के दो लिप बाम्स। तो ओवरऑल मेरा जो बिल बन रहा था वो था 1640 रुपये। एंड वहाँ पर हमारा जो अमाउंट कम हो रहा था वो था 1574 रुपीज़। सो ओवरऑल मुझे 165 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था इसके लिए। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि अब 99 रुपीज़ शिपिंग लग रहा है और 65 रुपीज़ का मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए, शिपिंग को हटाने के लिए मैंने 199 रुपीज़ में कॉम्पैक्ट मिल रहा था जो मैंने ख़रीदा है, ये है कॉम्पैक्ट। तो इसका MRP 495 रुपीज़ है। एंड ये वाला मैं सेम पहले खरीद चुका हूँ। एंड ये मेरा शेड नंबर भी सही है, इसमें मैंने जो शेड लिया है वो है बीट। एंड मैं आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ। सो ये है बीट
शिपिंग देने से बेहतर लगा मुझे कि मैं ये 100 रुपये ज़्यादा देकर खरीद लूँ। तो ऐसे ऐसे करके मुझे 265 रुपीज़ पे करना पड़ा है। अगर मैं ये कॉम्पैक्ट ना ले रही तो 99 रुपीज़ शिपिंग लगाकर 65 रुपीज़ का ही प्रोडक्ट मेरा एक्स्ट्रा हो रहा था, तो मुझे 165 रुपीज़ पे करने पड़ते। बट ये मैंने कॉम्पैक्ट एक्स्ट्रा ऐड कर लिया था इसमें, सो दैट्स वाई मेरे 265 रुपीज़ लगे। सो आई होप मैंने इन पॉइंट्स को कैसे रिडीम करा ये मैंने आपको सही से समझा दिया है, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड अगर आप मुझसे किसी और प्रोडक्ट पर रिव्यू चाहते हो या MyGlam के ही किसी प्रोडक्ट से रिव्यू देखना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइज। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।